तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके चल रही है। भाई आप सभी लोगों के यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं भाई एमपी जीके और जीके के लिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या रहेंगे जिनसे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, संभावित को टॉपिक कौन से जिनको पढ़ के भाई एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओ जीके में। क्योंकि आप लोगों को पता है जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप जितना भी पढ़ लो उतना कम है आपके लिए, पर कुछ टॉपिक ऐसे भाई जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी 2023 में बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन टॉपिक को अगर आप टारगेट करोगे तो एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोर आप जीके में कर लोगे। यहाँ पर मैंने वो टॉपिक लिया भाई यहाँ पे जो आपके एमपी पटवारी, एमपी अबकारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था, वन रक्षक, और आपके जो 2023 में पटवारी, अबकारी, वन रक्षक, जो भी हाल ही के 23 में जितने भी एग्जाम हुए एमपी में, सभी एग्जाम में ये टॉपिक आए हुए हैं। ये सभी कॉमन टॉपिक आपको दिख रहे होंगे। अगर आपने 2023 का अगर PYQ लगाए हैं तो आपको ये चीज़ टॉपिक पता चल जाएंगे भाई, यहाँ से आपको ज़्यादा जीके में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ जीके का प्रॉपर सिलेबस क्या है एमपी पुलिस कांस्टेबल का, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे भाई 20 नंबर की आपकी जीके आने वाली है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में, क्योंकि भाई आपको पता है आप जीके जब पढ़ने बैठते होगे तो आपको समय का पता नहीं चलता होगा, क्योंकि आप जितना भी पढ़ लोगे आखिरी में आपसे बनना होता ही है। अगर आपने वो सभी टॉपिक को टारगेट किया जो 2022 में हमेशा से पूछे गए हैं तो आपका भाई बाकी के मुकाबले जीके में एक अच्छा खासा स्कोर हो पाएगा। क्योंकि अंतिम दिनों में क्या पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने यहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ ली जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है तो भाई कहीं ना कहीं आपका स्कोर वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दूँ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपको टेलीग्राम मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग बन के नाम से, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी पॉइंट ब्लॉग वन के नाम से, जहाँ पे आपको PDF नोट्स और बहुत सारी अपडेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड होती रहती है। ठीक है, तो चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले भाई ये चीज़ आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको जीके का जो पैटर्न है आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल का 20 नंबर का आपका जीके पूछे जाना है। 20 नंबर आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे आएगी। एमपी जीके की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको एमपी जीके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आप एवरेज मान सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 2022 के एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया होगा तो आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गए थे। ठीक है, स्टैटिक की बात करें सेकेंड नंबर में ये आता है तो भाई आपका स्टैटिक आता है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं स्टैटिक में। करंट अफेयर की बात करें तो भाई अभी हाल ही के एग्जाम में करंट का भी अच्छा खासा यहाँ पे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आप एवरेज मान सकते हैं 3, 4, 5 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे एमपी पुलिस कांस्टेबल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बात आती है आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और यहाँ पे ज्योग्राफी की, तो हिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन आप मान सकते हैं आपकी, पॉलिटी में 1 से 2 क्वेश्चन और यहाँ पे आपके ज्योग्राफी में लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछने की प्रबल संभावना है। तो ऐसा मान सकते हैं भाई यहाँ पे आपका टोटल आप मानो तो भाई 20-21 यहाँ पे क्वेश्चन है, पर आप एवरेज निकालो तो लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि एमपी जीके में कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ के आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाओ मेन एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे मैंने सभी टॉपिक को तो नहीं लिया, पर भाई अगर आप कमेंट करोगे तो आपको स्टैटिक का भी बता दूंगा, करंट का भी बता दूंगा, आपका हिस्ट्री का भी बता दूंगा, पॉलिटी बता दूंगा और आपका ज्योग्राफी बता दूंगा, वो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे 2023 में पूछे गए हैं जिनकी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। यहाँ पे अपन सिर्फ एमपी जीके की बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने एक एक टॉपिक को यहाँ पे लिया तो यहाँ पे आप एमपी जीके का समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की बात करें। सबसे पहला भाई जो हर एक सेक्टर में यहाँ पे क्वेश्चन आया था, पड़ोसी राज्य की जो सीमाएं हैं जो आपकी टच होती है, यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में हर एक सेक्टर में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल गया था कि जो आपके बॉर्डर राज्य हैं, बॉर्डर जिले हैं। ठीक है, बॉर्डर जिले जो अपने पड़ोसी राज्य से कौन कौन से जिले टच होते हैं, इस टाइप के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस टॉपिक को आप बहुत जरूरी तरीके से कवर कर लेना। ठीक है, आगे जिलों का पुनर्गठन देख लेना क्योंकि यहाँ से भी आप क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। आगे यहाँ से बात करें तो भाई नगरों के प्राचीन नाम यहाँ पे देख लेना, बदले गए नाम भी देख लेना और उनके प्राचीन नाम क्या थे ये भी आप देख लेना। ठीक है, शिल्पों, शिल्पकला का क्षेत्र कौन सा, शिल्प किस क्षेत्र से संबंधित है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे समाधि मकबरे से क्वेश्चन आए थे, किले महल से यहाँ पे गुफा से क्वेश्चन आए थे, जनजाति क्षेत्र से यहाँ पे क्वेश्चन आया था, प्रमुख बोलियाँ, त्यौहार, समारोह, लोकगीत, लोक नृत्य, प्रमुख संगीतकार से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। प्रमुख संगीतकार आपके मध्य प्रदेश से जो भी संबंधित सभी संगीतकार हैं उनको आप आराम से भाई जरूर से देख लेना, चित्रकला से संबंधित चित्रकारों को देख लेना। ठीक है, प्रमुख धर्म तीर्थ स्थल जो मध्य प्रदेश में तीर्थ स्थल हैं जो कि प्रमुख धर्मों से संबंधित, बौद्ध धर्म से हो गए, जैन धर्म से हो गए। ठीक है, प्रमुख धर्मों के तीर्थ स्थल को आराम से देख लेना क्योंकि यहाँ से भी आपको हर एक सेक्टर में क्वेश्चन देखने वाला है। आगे बात आती है यहाँ पे पर्यटन नगर, मध्य प्रदेश के सभी नगरों को आराम से भाई जरूर से देख लेना जो कि आपके पर्यटन से संबंधित, जहाँ से भाई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जहाँ से संबंधित रखते हैं। प्रमुख वन संपदा देख लेना, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण, यहाँ पे मैंने वो सभी टॉपिक लिया भाई जिनके अंदर भी आपको सब टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। जब आप भाई राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने देखोगे तो आपको यहाँ पे टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा, अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, कब उनकी स्थापना हुई थी, कब वो टाइगर रिजर्व बने थे। ठीक है, आपका उद्यान में भी आपका टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, कब कौन सा
कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में सम्मिलित था, ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि आपके सब टॉपिक के अंदर आएंगे। ये आपको देखने को भाई लगभग 20-25 टॉपिक हैं, पर आप इनमें जब पढ़ने बैठोगे तो इनके अंदर ही आपको भाई लगभग 3-3, 4-4 टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो लगभग ये आपके 25 से आराम से भाई 50 टॉपिक आराम से यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। जब आप इनको आराम से डिटेल से पढ़ोगे, जैसे नदियों और झीलें हो गई, जब आप नदियाँ पढ़ने बैठोगे तो आपको यहाँ पे सहायक नदी पता चलेगी, नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, उनका कहाँ जाके मिलती है, कौन कौन सी नदी उसमें सम्मिलित होती है, ये सभी चीज़ें आपकी नदी झीलों के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। पर्वत मतला से क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप देख लेना। संभाग जिले भाई इसको देख लेना, ये चीज आपके लिए आ जाती है कि हर एक संभाग वाइज आप पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे कि सबसे पहले अपना जबलपुर संभाग स्टार्ट करें, इस टाइप से जो भी आपको संभाग स्टार्ट करना है ऊपर से नीचे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जबलपुर संभाग के बारे में पढ़े, उसके अंदर जितने भी जिले आते हैं, जितनी तहसील आती है, ये सब थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ोगे तो आराम से सभी संभाग के साथ आपके सभी जिले यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो संभाग जिले से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। संग्रहालय से क्वेश्चन आते हैं, कर्क रेखा से क्वेश्चन आया हुआ था। राजवंश संस्थापक, अगर इतिहास आपको एमपी का इतिहास देखना तो भाई इनके जो प्रमुख राजवंश अपने एमपी के, उनके संस्थापक को आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेले, कौन सा मेला कहाँ लगता है, भौगोलिक संरचना मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो भाई ये वो टॉपिक थे जो मैंने देखा, एनालिसिस किया 2022 के आपके एग्जाम एमपी पुलिस कांस्टेबल के, और 2000 पटवारी अबकारी पुलिस और आपका वन रक्षा के, ये वो सभी टॉपिक जो भाई कॉमन निकल के आ रहे थे, क्योंकि हर एक सेक्टर में इन टॉपिक से क्वेश्चन आया ही हुआ था। तो भाई ये वो सभी टॉपिक थे जो 2023 के एग्जाम में हर एक सेक्टर में यहाँ पे पूछे गए, वो सभी कॉमन टॉपिक को यहाँ पे लिया हूँ। अगर आप इतने टॉपिक को भी कर लीजिए तो भाई आपकी जीके में जो नंबर आएंगे अदर से बहुत अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनको अभी से कवर करना चाहो, कवर करोगे तो आपके भाई टेस्ट में ही यहाँ पे नंबर आपके इंप्रूवमेंट होने जाएंगे, क्योंकि आपके अधिकतर लोगों के यहाँ पे जीके और साइंस में अगर नंबर कट रहे होंगे, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है और आपके जीके में नंबर कट, तो भाई इन टॉपिक को आप कवर करें, 100% आपका एमपीजी के में पूरा का पूरा स्कोर होने वाला है, ठीक है। और आगे बात आती है आपके यहाँ पे स्टैटिक हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इनको कैसे कवर करें, कौन कौन से टॉपिक कवर करें, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इसी टाइप की छोटी सी वीडियो में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा वो सभी टॉपिक, और आप उन सभी टॉपिक को करके अपने स्कोर को बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो भाई बताइएगा वीडियो कैसे लगी, साथ ही अपना टेलीग्राम आपको मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग बन के नाम से, जहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और बहुत सारी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो बताएगा वीडियो कैसे लगी, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।